हाय गाइस, ये हमारा आर्मरेस्ट है जो हमने टाटा पंच के लिए बनवाया हुआ है, मंगाया है अमेजोन से। तो एक आर्मरेस्ट की काफी जरूरत होती है इस कार को, यूजफुल काफी होता है वहां पर फिटिंग के लिए। तो ये वो बॉक्स है, कितने का पड़ा क्या है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी इसकी क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं। भाई हमारा आर्मरेस्ट, इसको करते हैं ओपन। दिस इज फॉर टाटा पंच। ये क्या है, ये है इसका बिल जो कि हम आपको बाद में दिखाएंगे, ये साइड में रखते हैं। और ये है अपनी छुरी जिसकी दोबारा जरूरत पड़ने वाली। देखते हैं, फर्स्ट ट्राई है, मैंने भी अमेजन के रिव्यूज के बाद इसको लिया है। देखते हैं कैसा निकलता है, क्या निकलता है। काफी बड़ा है यार, अच्छी पैकेजिंग है, बिल्ड भी ठीक ठाक लगी है। तो भाई ये है अपना आम रेस्ट, कहाँ को ले गया। अरे भाई यहाँ भी बाहर रखा है, पूरी बिल्ड एंड फिनिश अनकॉमन सी है। तो ये है टाटा पंच का आर्मरेस्ट जो हमने अमेजोन से मंगाया है। एंड अगर इसकी हालत देखे तो काफ़ी दिनों से ख़राब भी हो रखा है, बट ठीक है, थोड़ी स्टिचिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, पर बोल्ट वाइज ठीक है। चलो ट्राई करते हैं इसको टाटा पंच में। ये है आर्मरेस्ट क्लोज। तो गाइज ये था हमारा आर्मरेस्ट जो हमने टाटा पंच के लिए मंगाया। इसमें ना अमेजोन से मंगाया तो छोटे छोटे फॉल्ट देखो आप, जैसे ये पेस्टिंग की प्रॉब्लम है और यहाँ पे एकदम ये प्रॉपरली स्टिक नहीं है, ठीक है। ओवरऑल अगर क्वालिटी आप मुझसे बोलें तो एवरेज ही है एज सच, कोई जिस हिसाब से प्राइस है कोई आपको बहुत प्रीमियम चीज़ नहीं मिल रही। बट हाँ, औरों के कंपैरिजन में स्टिल ऐसा है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब रही बात फिट एंड फिनिश की, और गाड़ी में सही से फिट हो रहा है कि नहीं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, वुडन है, इसे बोल्ट का सीन नहीं होता। आपको सिर्फ यहाँ पर लाना है अपना कप होल्डर के बगल में जो है, थोड़ा सा आपको मूव करना पड़ेगा ऐसे, थोड़ा इधर से ऐसे, एंड इसको आप ऐसे होल्ड कर सकते हो, थोड़ा पीछे कर लो उसको, ये कर सकते हो, बस ये आ जाता है इसका फिट एंड फिनिश। अगर आप फिटिंग की बात करें तो क्योंकि ये यूनिवर्सल है, कस्टमाइज फॉर टाटा पंच भी है, तो इसको फिटिंग तो इसकी अच्छी खासी आ रही है। और यूजेबल की बात करें तो प्रैक्टिकली आर्मरेस्ट वैसे भी बहुत यूजफुल होता है और काफ़ी ज़्यादा काम आएगा आपके। मैं तो उसको रिप्लेस करने वाला हूँ नए क्या कहते हैं प्रोडक्ट के लिए, बट ये आर्मरेस्ट बहुत अच्छा है और अच्छी खासी फिनिश दे रहा है। इंस्टेड की आप बोल्ट करवाएं वो बहुत गलत चीज़ होती है, लॉन्ग रेंज में बोल्ट और यहाँ पे दो नट्स लगते हैं वो बहुत ख़राब चीज़ है। इससे अच्छा वुडन का यूज़ करो, जब ज़रूरत है यूज़ करो, नहीं है तो पीछे फेंक दो उसको डिग्गी में आराम से, ठीक है। तो ये है आपका आर्मरेस्ट, मैं एक बार फ्रंट से दिखा देता हूँ आपको। तो ये है गाड़ी का फ्रंट, और अब आप ये देखिए ये रहा आर्मरेस्ट, ठीक है। ये ऐसे ओपन होता है, इसमें एक स्पेस दे रखा है, ये आप यहाँ पे क्योंकि आपका कप होल्डर ऑलमोस्ट ये पूरा यूज़ कर लेगा तो आप इसी में ही कप रख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन है ये कप रखने का, या फिर छोटे मोटे कुछ ऐसे चिल्लर विल्लर रख रहे हो, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है, ये है देखिए, लुक वाइज अच्छा है अनडाउटेडली, जो पैसे लिए हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं वैसे, बट ये जो फिट एंड फिनिश का इशू है ना, ये देखो आप यहाँ पर जैसे स्ट्रेचिंग निकली बड़ी है, इधर से थोड़ा सा ऐसा है, बट ओवरऑल यस फॉर टाटा पंच। अगर आप कोई आर्मरेस्ट देख रहे हैं तो मुझे लगता है इससे बेस्ट कुछ होगा। ये देखिए आप, पूरा प्रॉपर हैंड पे आपके ब्रेक पे क्या कहते हैं गियर लेवल पर हाथ है, और सही प्रोडक्ट है ये, एक बार यूज़ कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस प्रोडक्ट का नाम, एंड मुझे रिप्लेस कराना पड़ेगा, बट ओवरऑल यही था टाटा पंच का एक आर्मरेस्ट जो आप लोग परचेज कर सकते हैं। और मेरा सजेशन होगा कि ये वुडन ही यूज़ करें इंस्टेड की आप बोल्ट करवाएं। आगे आपकी कॉल, आपकी चॉइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, मुझे बताइए कमेंट्स में कैसा लगा ये। थैंक यू।